नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। द कपिल शर्मा शो में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन नहीं होने से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक्टर से फिल्म क्रिटिक बने कमाल राशिद खान यानी केआरके भी इसमें कूद पड़े हैं। केआरके ने एक वीडियो में कपिल शर्मा का बचाव करते हुए कहा है कि शो के निर्माताओं और सोनी टीवी ने प्रमोशन के लिए 25 लाख रुपए मांगे होंगे, जो अग्निहोत्री के ना देने की वजह से उन्हें इनकार कर दिया गया होगा। वीडियो में केआरके ने कहा, द कपिल शर्मा शो कपिल का नहीं है, कपिल उस शो में सिर्फ एंकर हैं जो हर एपिसोड के पैसे लेकर एक्टिंग के बाद अपने घर चला जाता है। इस शो में कौन आए और क्या हो ये कपिल के हाथ में नहीं है। इस पर किसी भी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए सोनी वाले 25 लाख रुपए लेते हैं। हुआ ये होगा कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का प्रमोशन करने वालों ने कपिल शर्मा को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अप्रोच किया होगा, तब सोनी वालों ने रुपए मांगे होंगे। विवेक ने पैसे देने में असमर्थता जताई होगी। इस बात पर विवेक ने मीडिया में न्यूज़ दे दी कि कपिल शर्मा ने उन्हें अपने शो पर बुलाने से मना कर दिया। कोई भी फालतू नहीं बैठा, सभी पैसे लेंगे। आपको जिस टीवी पर जिस भी शो में प्रमोशन करवाना है आप मुझे बताइए और उन्हें पैसे दीजिए, वो गारंटी के साथ आपकी फिल्म का प्रमोशन करेंगे। केआरके ने आगे कहा, आपने शोले या मुगले आजम नहीं बनाई है, मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता और ना ही इसे भी देखूंगा। अगर आपने बहुत कमाल की फिल्म भी बनाई है तो भी इसका ये मतलब नहीं कि कपिल शर्मा आपकी फिल्म का फ्री में प्रमोशन करें। आपके निर्माता अभिषेक अग्रवाल को फिल्म बनाने का शौक था, इसीलिए उसने बनाकर पैसे लगाए। अब पैसे नहीं आ रहे हैं तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये तो होना ही था। बाहर से प्रोड्यूसरों को कपड़े उतारने के लिए ही लाया जाता है। तो देखा आपने, कपिल शर्मा का बचाव करते हुए केआरके ने कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला है और कह दिया है कि मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता और ना ही देखूंगा। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके निर्मम हत्याओं के बारे में है। जहां एक तरफ इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं कई लोग इस फिल्म को देख फूट फूट कर रोए भी हैं। ऊपर से कुछ लोग केआरके जैसे हैं जो ऐसी फिल्म के खिलाफ अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। वैसे केआरके के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने फिल्म देख ली हो तो अपने अनुभव हमें जरूर साझा करें। हाँ मैडम, सर अर्ज ये कहना चाहूंगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का, ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4,00,000-5,00,000 लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा महरम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक हमें से कुछ अलग करने की कोशिश करते, पहले की जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने। मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज निश, ही हैज़ फाउंड हिज ट्रूथ एंड दैट्स वेरी 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 पावरफुल। यू सी, जस्ट बिकॉज आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि
जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा कर रखना वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या है अगर ना हुआ तो। कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया, पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित, एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुंचाया है, ना केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जाने गई हैं, सरदारों को, अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है, और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना है ज़रूरी, ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल जो दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। देखिए आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे जो जो एक एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्यूस के साथ हुआ हमारे देश में। आप देखिए पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे, वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे, तो किस तरह वे रातों रात, उनको एक भी देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर, जो हमारा जो हिंदुस्तान था वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़ कर आना पड़ा। तो मैंने जो कहानी सुनी थी यार, कितना मतलब एक कपड़ों में सब कुछ, घर बार हर चीज़ छोड़ के वो आ गए थे, तो एक डिस्प्लेस हो गए थे। उसके बाद फिर 1990 के दशक में पता चला कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मार मार के बाहर निकाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप देखेंगे क्या क्या हुआ।